Hello friends, how are you all? Myself Pinky and welcome back to Pinky's Creative World. I'm good and I hope you all are doing great. Wish you all a very happy Karva Chauth. I know I'm little late in posting this video, but I was in fever, that's why my video post nahi kar paayi. So for that I'm really very sorry. तो चलिए अभी वीडियो में मूव करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आज की मेरी आउटफिट और ज्वेलरी है। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चौकी बिछा ली है और इस पे मैंने करवा चौथ माता की फ़ोटो और भगवान शिव परिवार की भी फ़ोटो रखी है। सो मैंने शुरुआत की है गणपति जी से। सबसे पहले उन्हें तिलक चंदन लगाएंगे, फिर माता पार्वती, शिव जी और कार्तिकेय भगवान जी हैं उन्हें, उसके बाद करवा चौथ माता और उस जो पोस्टर होती है उसमें जितने भी लोग होते हैं उन सभी को हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। और उसके बाद करवों पे भी तिलक लगाएंगे। 13 बिंदी देनी होती है, वो मैंने दे दी है। मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का करवा और एक शक्कर का करवा रखा है। जो शक्कर का करवा है उसमें खीर और बताशे मैंने भरे हैं, और ये जो मिट्टी का करवा है इसमें मैंने दूध मिक्स करके जल रखा है, इसी से मैं अर्घ दूंगी चंद्रमा को। और यहाँ मैंने कलश रखा है, श्रीफल कलश है ये, तो उन्हें भी हल्दी कुमकुम सभी चीज़ें अर्पित कर रही हूँ। और यहाँ पे दीप देवता हैं। उसके बाद जनेऊ अर्पित करेंगे गणपति जी को, शंकर भगवान को और कलश भगवान को। उसके बाद आपके पास जो भी फूल है और जो भी भगवान के प्रिय फूल हैं आप कोशिश करें कि आप वही चढ़ाएं। तो मैंने करवा माता और पार्वती माता के लिए यहाँ लाल गुलाब, शिव भगवान के लिए सफ़ेद फूल, ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे, और बाकी भगवान को पीले पुष्प मैंने अर्पित किए हैं। और इसके बाद मैंने भोग अर्पित किया है। सो करवा चौथ है तो मैंने इसमें सफ़ेद मिठाइयाँ, पीले रंग की मिठाइयाँ जो गणपति जी को पसंद है, ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे अर्पित की है भगवान जी को। और यहाँ करवे पे मैंने चावल रखा है और चावल के ऊपर एक दिया और सफ़ेद मिठाई रखी है, क्योंकि मैं इसी करवे से जल अर्पित करने वाली हूँ। इसके बाद मैंने फलों का नैवेद्य अर्पित किया है भगवान जी को, करवा माता को, सभी लोगों को। और इसके बाद माता पार्वती को और करवा माँ को सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे, तो मैं वही कर रही हूँ। और अब रक्षा सूत्र अर्पित करेंगे सभी देवी देवताओं को उपवस्त्र के स्वरूप में। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सभी देवी देवता को वस्त्र अर्पित कर रखा है, इसीलिए मैं कलावा उपवस्त्र के रूप में सभी देवी देवता को अर्पित कर। इसके बाद धूप दीप अर्पित करेंगे भगवान जी को, और अब मैं इत्र अर्पित कर रही हूँ। सभी देवी देवता को इत्र अर्पित करेंगे। और इसके बाद मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची का बेड़ा बनाया है मैंने, और ये मैं सभी देवी देवता को अर्पित कर रही हूँ, गणपति जी को, शंकर जी को, गौरी माँ को, करवा चौथ माता को, कलश देवता को, सभी को ये तांबूल फल अर्पित करेंगे। अब अक्षत अर्पित कर रही हूँ मैं सभी भगवान जी को। और अब हाथ में 13 दाने गेहूँ के लेने हैं, क्योंकि अब मैं कथा पढ़ने वाली हूँ,
तो 13 दाने गेहूं के लेके अब मैं कथा पढ़ूंगी। साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहू और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन चंडी की ओट कर दी, जिसे करवा चौथ माता आपने जिस प्रकार से उसके पति की आयु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सबके पतियों को दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। सो इस तरह से मैंने मेरे घर की पूजा पूरी कर ली और अब चंद्र देवता भी आ गए हैं तो मैं उन्हें अर्घ देने वाली हूँ। तो पहले हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, सभी चीज़ें उन्हें अर्पित करेंगे तो मैं वही कर रही हूँ। धूप दीप सभी चीज़ें विधिवत, जैसे हम घर में माँ करवा की पूजा करते हैं उसी प्रकार से भगवान जी की भी बिल्कुल विधि विधान से पूजा करनी है और उसके बाद उन्हें मैं करवे से अर्घ दे रही हूँ। धूप दीप ये सभी चीज़ें भगवान जी को भी अर्पित करनी है और अब चलनी से मैं भगवान जी के दर्शन कर रही हूँ और फिर उसी चलनी से अपने पति देव के दर्शन करूँगी और उनकी भी पूरी विधि विधान से पूजन करूँगी। सो सबसे पहले मैंने उन्हें तिलक किया है, फिर अक्षत अर्पित किया है, फिर पुष्प अर्पित किए हैं और अब मैं उनका मुंह मीठा करा रही हूँ, उन्हें मिठाई खिला रही हूँ और अब उनके पैर छू के उनके आशीर्वाद लेने हैं तो मैं वही कर रही हूँ। और इसके बाद पतिदेव के हाथ से ही व्रत खोलूँगी। तो यहाँ मैं अपना व्रत पूर्ण करके अपने व्रत खोल लिया है मैंने। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी करवा चौथ की वीडियो। इसमें मैंने आपको पूजन कैसे करना है ये भी दिखाया, चंद्र पूजन कैसे करना है, पति पूजन कैसे करना है, ये सभी चीज़ें भी दिखाई। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।